हेलो दोस्तों, रितिक सिंधिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सैमसंग के अंदर वन टाइम ब्लिंकिंग की जो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो मेरे पास मॉडल है सैमसंग का, इसका जो मॉडल नंबर है UA32T4450AKLXL। तो दोस्तों जो इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो किस तरह की है वन टाइम ब्लिंकिंग की। तो यहाँ पे मैं इसको पावर देता हूँ और जैसे ही मैं इसको पावर दूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए एक बार जो इसकी लाइट आती है और लाइट आके चली जाती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, दोबारा से ये लाइट आएगी और लाइट आके यहाँ पे ये चली जाएगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है ये लाइट आने में और ये देख सकते हैं एक बार ये ब्लिंक करता है और ये रुक जाता है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम आती है रैम की जो वोल्टेज होती है वो एब नॉर्मल हो तब इस वजह से दिक्कत आती है, या फिर रैम हमारी खराब हो गई हो तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम रैम की वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि रैम की जो वोल्टेज है वो कितनी वोल्टेज है बना रहा है। मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले मैं ब्लैक वायर को ग्राउंड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये जो रैम की जो वोल्टेज है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं रैम की जो वोल्टेज है वो मुझे 1.5 वोल्टेज प्रेजेंट मिल रही है। यहाँ पे आप ये देखेंगे ये बिल्कुल ओके है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर क्या है कि रैम की वोल्टेज से ही काम नहीं चलेगा। रैम के लिए क्या चीज होती है, रैम की एक रेफरेंस वोल्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं रैम की रेफरेंस वोल्टेज। तो रेफरेंस वोल्टेज में देखते हैं हम रैम के जो आसपास में हमारे यहाँ पे नॉन पोलराइज या पोलराइज कैपेसिटर लगे होते हैं या फिर रेजिस्टेंस लगे होते हैं, यहाँ पे भी हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मेरे को जो वोल्टेज मिल रहा है रेजिस्टेंस पे 1.5 वोल्टेज मिल रहा है, और रेजिस्टेंस की अगर दूसरी साइड में चेक करूंगा तो रैम की जो VCC की हाफ वोल्टेज है वो मेरे को यहाँ पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 77.77 वोल्ट मुझे यहाँ पे ये प्रेजेंट मिल रहा है, ये इस रेजिस्टेंस पे, यानी कि इस रैम को जो रेफरेंस वोल्टेज है वो ओके मिल रहा है। लेकिन अब मैं दूसरी रैम की जो वोल्टेज है वो चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप ये देखेंगे ये इनपुट इसकी है 1.5 वोल्ट, ये देखिए 1.5 वोल्ट बिल्कुल प्रेजेंट है। और इसकी अगर मैं दूसरी साइड चेक करता हूँ तो दूसरी साइड मेरे को 0.77 वोल्टेज मिलना चाहिए। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मेरे को क्या वोल्टेज मिल रहा है, 0.14 वोल्ट। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है, यानी कि ये जो हमारी दूसरी रैम है इसकी जो रेफरेंस वोल्टेज है वो मुझे प्रेजेंट नहीं मिल रही है, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है ये हो सकता है इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई हो। तो चलिए मैं इस रेजिस्टेंस को चेंज करता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो रेफरेंस वोल्टेज है वो बनता है या नहीं बनता है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये दूसरा बोर्ड है और मैं इससे जो रेजिस्टेंस है उसको मैं रिमूव करूंगा और दूसरा रेजिस्टेंस लगाऊंगा। यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस को निकाल लेता हूँ। जब भी हम रेजिस्टेंस को रिमूव करते हैं दोस्तों, थोड़ा SMD का प्रेशर हम कम कर लेंगे ताकि रेजिस्टेंस जो है हमारी इधर उधर ना भागे। ये देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस मैंने रिमूव कर दिया है, ये मैंने बाहर निकाला रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप ये देखेंगे बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये देखिए इसको मैंने रिमूव कर दिया है और मैं इसको दूसरे बोर्ड से रेजिस्टेंस लगाऊंगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दूसरे बोर्ड में से मैं रैम के पास में से रेजिस्टेंस को रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे प्लेस करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रेजिस्टेंस को लगा दिया है, ये फिनिशिंग से मेरा रेजिस्टेंस लग चुका है। अभी दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ।
पास ये थोड़ा सा थिनर है, यहाँ पे आप ये देखेंगे, इसको मैं क्लीन कर लूँगा। जिस एरिया पे मैंने रेजिस्टेंस को रिमूव किया है उसको मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। थोड़ा सफाई से काम रहता है तो थोड़ा सही रहता है दोस्तों, नहीं तो कई बार होता है कि कंपोनेंट्स वगैरह मॉइस्चराइज भी हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को चेंज किया है और यहाँ पे जो मैंने रेजिस्टेंस लगाई है वो 100 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है। तो यहाँ पे जो मैंने रेजिस्टेंस लगाई है दोस्तों, ये मैंने 100 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है और अब मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसकी जो इनपुट वोल्टेज है वो मुझे वही मिल रही है 1.5 वोल्ट, और अगर मैं इसकी आउटपुट चेक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 76 के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज, यानी कि जो हमारी दूसरी रैम की जो रेफरेंस वोल्टेज है वो परफेक्ट ओके हो चुकी है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो सेट है वो ऑन होता है या नहीं होता है। तो अभी मैं इसकी पावर निकाल के दोबारा से लगाता हूँ और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट की क्या कंडीशन रहती है। यहाँ पे देखेंगे तो वैसे तो ये लाइट, अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये लाइट जल चुकी है, इसका मतलब हमारा सेट ऑन हो गया है। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए तो दोस्तों सेट बिल्कुल ऑन हो चुका है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम थी वन टाइम जो सैमसंग के अंदर आती, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, वो रैम की वोल्टेज मिसिंग होने की वजह से दिक्कत आती है। तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से हमने इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।